बैलगाड़ी पे सवार हो सपाहियों ने निकाली सरकार के विरोध में रैली। खबर कछुआ मिर्जापुर से है, जहां आदर्श नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी, पूर्व जिला अध्यक्ष शिवशंकर यादव, जिला महासचिव अभय यादव, विधानसभा पूर्व प्रत्याशी रोहित शुक्ला, विधानसभा अध्यक्ष अनिल यादव समेत सैकड़ों सपाहियों ने बैलगाड़ी पे सवार होकर किसानों के हक के लिए सरकार विरोध रैली निकाला। रैली का आयोजन बजरडिया से शुरू हुआ तो कछुआ नगर पंचायत कार्यालय के पास पहुंचकर नुक्कड़ सभा के बाद समापन हुआ। रैली में सरकार विरोधी नारों के साथ सपाई चल रहे थे। नुक्कड़ सभा के दौरान वक्ताओं ने कहा, किसानों के हक के लिए हम लोगों को जेल भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे। केंद्र की भाजपा सरकार ने किसानों के उत्पीड़न के लिए कानून बनाया है, जबकि प्राकृतिक आपदा से भी किसान जूझ रहे हैं। भाजपा सरकार किसानों के ही साथ साथ बेरोजगारों से लेकर व्यापारियों का भी शोषण कर रहा। किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पर सरकार के कान में जू तक नहीं रेंग रहा। भाजपा सरकार मनमानी कर रही, किसान विरोधी कानून को वापस लेना देश के विकास वगैरह किसान के संभव नहीं है। आज का बेरोजगार बगैर नौकरी के मर रहे। हर खातों में 15 लाख रुपए भेजने का झूठा आश्वासन भाजपा ने दिया। आज आवाज उठाने पर आवाज को दबाया जा रहा। भाजपा किसानों की आय दुगना करने की बात करती है, लेकिन जब सत्ता में आई तो आज किसानों पे जुल्म ढा रही। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में जनमानस भाजपा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सौर न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।